चंबल और बुंदेलखंड की यात्राओं पर आगरा हर बार मेरी आंखों के सामने से गुजरता रहा। वन और बीहड़ों में प्राचीन मंदिरों की खोज करने वाला व्यक्ति भला उस शहर में क्या खोजता। लेकिन मेरी इच्छा थी कि एक बार आगरा देखूं। शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। पुल और नदियों के किनारे शहर के सबसे अच्छे ठिकाने होते हैं। वहां से उसके जीवंत होने के गतिमान प्रवाहमान संकेत मिलते हैं। बेलन बाजार में कुछ पुरानी हवेलियां हैं, एक दो हवेलियों की हालत ही ठीक कही जा सकती है। उनमें अब तक लोग रहते हैं, अधिकांश खाली और जर्जर हो चुके हैं। अतिक्रमण और ध्वंस के साथ ऊटपटांग निर्माण उन्हें लील रहे। बस कुछ दिनों की बात है, ये सब स्मृति शेष हो जाएंगे। मैं आगरे में कुछ पुराने मंदिरों की खोज में गया था। विडंबना कहिए कि आगरा तो स्वतंत्र भारत में केवल ताज के लिए जाना जाता रहा, परंतु उस शहर में कुछ अत्यंत पुराने मंदिर भी हैं। मेरा पहला पड़ाव था मन कामेश्वर महादेव। स्थानीय लोगों के अनुसार महादेव वहां महाभारत काल से विराज रहे हैं। अब प्राचीन मंदिर के चिन्ह नहीं है, मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन समय का निर्माण दीख पड़ता है। शिवलिंग प्राचीन है, किंतु आगरा ध्वंस प्रेमियों का प्रिय शहर ठिकाना रहा। जो मंदिर रहा होगा वह नहीं मिलता। ध्यान से देखने पर मध्यकालीन पुनर्निर्माण के प्रमाण मिल जाते हैं। मनकामेश्वर से मलकेश्वर और रावली महादेव तक यही समानता है। मलकेश्वर में तो सर्वथा नवीन भवन बनाया गया है। प्राचीन मंदिरों में चिपकाया गया टाइल्स आंखों में गड़ता है, किंतु इन मंदिरों को प्रशासन या जिन स्थानीय जनों की कृपा से पुनर्निर्मित किया जाता है उनमें इतिहास और स्मृति की पीड़ा नहीं है। वास्तु और स्थापत्य जैसे शब्द तो बेमानी ही हैं। उस सातत्य को अनुभव करने का सुख वे नहीं जानते। वे कुछ बना डालते हैं चमचमाता हुआ, उसकी पुरातनता मृत हो जाती है। केवल ध्वंस ही दुख का कारण नहीं, निर्माण के नाम पर उस पुरातनता को मेट देना भी बड़ा दुख है। लेकिन क्या आश्चर्य, इन तीन मंदिरों की यात्रा और दर्शन के बाद यक्ष प्रश्न सामने था, अब कहां। अचानक एक विशालकाय चर्च मेरे सामने आ गया। मैं भौचक। ऐसे विराट ईसाई प्रार्थना गृह तो पूर्वी और दक्षिणी भारत में मिलते हैं। आगरे में उनका होना मेरे लिए एक विस्मय था। मेरी अनभिज्ञता अधिक कहिए। आगरा मुगलों और अंग्रेजों का गढ़ रहा। उसके प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ है Established in 1846, यानी 178 वर्ष पुराना। आगरे में अंग्रेजों के बनवाए हुए कुछ विशाल कॉलेज हैं। सेंट जॉन्स कॉलेज भी कोई 172 वर्ष पुराना है। यह तो सर्वविदित सत्य है कि पिछले 150-200 वर्षों की विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए हम अंग्रेजों के बनवाए महाविद्यालयों में ही जाने को बाध्य हुए। हमारे प्राचीन अथवा मध्यकालीन शिक्षण संस्थान तो नेस्तनाबूद ही कर दिए गए। हम लाख सनातनी सभ्यता के गायन करते रहे, किंतु इन विशाल शिक्षा निलयों के मोह से मुक्त नहीं हो पाते। उन्हें सर्वथा त्याज्य कहकर आगे बढ़ जाना भी तो कृतज्ञता ही होगी। आगरा शहर की अधिकांश पुरानी हिंदू हवेलियां अब जरा अवस्था में हैं, खंडहर और परित्यक्त। उनकी बाहरी भीतरी भित्तियों पर बिसार दिए जाने का शोक छाया हुआ है। समय वहां से जा चुका है, पूर्णकालिक पतझड़ कहिए। कुंडियां चढ़ी हुई हैं, उन्हें उतारने वाले कहीं चले गए हैं, अब नहीं लौटने वाले। शहर में ऐसे दर्जनों भवन देखे जा सकते हैं। शहर के अधिकांश देवालय भीड़ भरे पुराने मोहल्लों में ही स्थित हैं, जो यह सिद्ध भी करते हैं कि वे इन सभी अब्राहमिक स्थापत्यों से बहुत पुराने हैं। कहना होगा कि मेरी यात्रा शहर को जीने और उसमें रसने के लिए बहुत छोटी थी, पर एक भावचित्र मिल गया। भित्ति चित्रों के लिए पुनः आना होगा। आगरा के उन प्राचीन देवालयों को भी बड़े धरातल पर प्रकाश में लाना आवश्यक ही है, ताकि ताज को देखने वाले पर्यटक हजारों वर्ष पुराने स्मृति चिन्हों तक जा सकें, जिन्हें लगभग भुला ही दिया गया है या स्थानीय जनों के अतिरिक्त कोई नहीं जानता।